I am Pratik. I am taking your 10th subject. Today I am teaching you chapter number 1, building with bricks. Okay, our chapter number 1 is building with bricks. Again, one time, chapter number 1, building with bricks. जैसे कि इस chapter का name है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हमें buildings के बारे में पढ़ना है. Building का क्या meaning होता है? बन जाती होगी मैडम जरूर कोई बड़ी सी बिल्डिंग के बारे में यानी इमारत के बारे में बात कर रही है. ओके, तो इमारत यानी बहुत बड़ा सा कोई घर हो या भवन हो उसे हम बिल्डिंग कहते हैं. और बिल्डिंग का एक दूसरा भी मीनिंग होता है बिल्ड. बिल्ड मीन्स बनाना. और किससे बनाना है हमें? विद ब्रिक से. ब्रिक का मीनिंग क्या होता है? ब्रिक यानी बिल्डिंग विद ब्रिक्स हमारा चैप्टर है. इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? ब्रिक्स
टाइप से डिफरेंट टाइप की पैटर्न बनाना हम इसमें सीखने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम से आपको समझ में आ गया और इसमें जो मैंने मेन मेन पॉइंट इस चैप्टर में क्या है वो मैंने आपको बताएंगे। हम क्या करेंगे इसमें जागृति स्कूल की एक स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें कैसे ट्रिक्स की पैटर्न बनाई हुई है वो हम देखेंगे। सेकेंड नंबर हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिज, ब्रिज को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। थर्ड नंबर ए वॉल दैट विल नॉट फॉल, हम ऐसी वॉल बना के देखेंगे जो आसानी से गिरे ना, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। फोर्थ नंबर डिफरेंट वॉल पैटर्न, ओके यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के वॉल के पैटर्न बनाएंगे। फाइव नंबर लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, हम ब्रिक की पैटर्न बना के जाली बनाएंगे, ओके। अब सिक्स नंबर है इसके आर्क, यहाँ पे हम आर्क बनाएंगे वो भी कैसे ब्रिक की डिजाइन से आर्क बना करेंगे। अब यहाँ पे सेवन नंबर है मेंटल मैथ, मेंटल मैथ की वजह से हम वजन के वजन जो है एक पर्सन है वो ब्रिक लेने जाता है तो उसकी जो हर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, ओके। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्रिक्स को ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ब्रिक्स कैसी होती है, आप लोगों ने वैसे तो देखा होगा। यहाँ पे देखो मैंने एक ब्रिक्स ड्रॉ करी है, तो ये होती है ब्रिक्स और ब्रिक्स को मैंने अरेंज करके रखा है तो ब्रिक्स की यहाँ पे क्या बन गई वॉल बन गई है। तो आपको ब्रिक्स की पिक्चर से भी पता चल गई ब्रिक्स कैसी होती है और उसकी वॉल बनाई हुई है। वॉल मीन्स होता है दीवार, यहाँ पे मैंने एक दीवार की डिजाइन बनाई हुई है। आप लोग जब घर कहीं बनता है तो आप देखते हो तो वो जो मजदूर होते हैं वो इसी टाइप से वॉल को अरेंज करके दीवार बनाते जाते हैं। चीजें हम इस चैप्टर
three sides only. What is this? This is a triangle. ये triangle है. अब हम हमारे next figure की तरफ जाएंगे और आपको तो यहाँ पे shapes के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. तभी तो आप pattern बना पाओगे. अगर आपको shapes के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप pattern नहीं बना पाओगे. वैसे तो आप इस सब shapes के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो. तो भी हम यहाँ पे फिर से इसे repeat कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे क्या बनाया है बताइए. ये रेक्टेंगल. क्या है ये? रेक्टेंगल. ओके, क्या है ये? रेक्टेंगल. अब हम इसकी साइड देखेंगे. चलिए हम इसकी साइड काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4. इसकी कितनी साइड्स होगी? 4 साइड्स होगी. आपने काउंट करके भी देख लिया. फिर से मैं बता रही हूँ इसकी साइड मीन्स इसकी बाउंड्री. ओके, तो ये मैं आपको इसकी साइड्स के बारे में बता रही हूँ. तो रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होगी? 4 साइड्स होगी. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है यानी आमने सामने वाली जो साइड्स होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है. इसकी अपोजिट साइड्स ये इसके इक्वल होगी. इसकी अपोजिट साइड्स ये इसके इक्वल होगी. ओके, अब हम नेक्स्ट फिगर की ओर जा रहे हैं. हमारा पेंटागन. ये हमारा है पेंटागन. पेंटागन में कितनी साइड्स है? 1, 2, 3, 4, 5 साइड. इसमें कितनी साइड होगी? 5 साइड. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंटागन. ये पेंटागन है और इसमें कितनी साइड्स है? 5 साइड्स है. ओके, अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं. आप लोग इसे देखते जाइए और आपको ये सब लर्न भी होना चाहिए. जो जो शेप सब बना रहे हैं उससे आपको पैटर्न भी बनाने की स्ट्रेंथ होगी. ओके, अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट फिगर. ध्यान से देखिए. How many times?